अरे मोहित जी, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भैंस लेकर? अरे रुको जरा रुको। अरे राहुल जी, मोदी जी को रोको रोको रोको। अरे जल्दी से, हमें भैंस का दूध निकालना है, भैंस का दूध। अरे मोदी जी, तुम्हें शर्म नहीं आए? कल मकर संक्रांति हो, मकर संक्रांति मनाने कहाँ पर जा रहे हो तुम? मकर संक्रांति भैंस लेकर जा रहे हो क्या तुम? अरे रुको 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 रुको, अरे योगी जी योगी जी योगी जी की बात मानो, योगी जी की बात मानो, रुको भैंस को रोको मोदी जी। क्या बात करते हो योगी जी, भैंस को रोक दूँ मैं? कैसे रोक दूँ, कैसे रोक दूँ भैंस को? रोक कैसे दूँ मैं? नहीं रोकना मेरे को भैंस। भैंस योगी जी, ये भैंस मेरी है, मेरी मर्जी है, मैं भैंस को रोकूँ या ना रोकूँ, तुम अपना काम करो राहुल जी। और तुम मेरे आगे खड़े कैसे होगे लाठी लेकर? शर्म नहीं आती तुम्हें? कल लाठी लेकर खड़े होगे जो। और हाँ 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 योगी जी, तुम बिल्कुल चुप ही रहो। योग राहुल जी, तो आप यहाँ पर लाठी लेकर क्यों खड़े हो मेरे को बताओ? अरे मोदी जी, यहाँ पर लाठी लेकर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति पर भैंस के ऊपर बैठकर नहीं जाते हैं। भैंस के ऊपर बैठने से पाप लगता है, भैंस का दूध हम पीते हैं तो इसके ऊपर हम बैठ कह सकते हैं? यार मोदी जी, मेरे को इसके बारे में छिपा दो, या फिर इस भैंस को यहीं इसी पेड़ को बांध दो, यहाँ पर रास्ते आने जाने वाले लोग इस भैंस की बोली लगाएगा, और मैं इस भैंस को जो है 50 लाख रुपये में बेच दूंगा क्योंकि मकर संक्रांति हो चल रही है कल से। अरे क्या बात करते हो राहुल जी, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगा, बहुत अच्छा दिमाग लगा तुमने तो। मकर संक्रांति पर 50 लाख कौन देगा इस भैंस के? यार मोदी जी, आप कहाँ पर जा रहे हो? अपने ससुराल जा रहे हो या फिर अपने नैनीताल जा रहे हो? भैंस पर बैठकर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं क्या मोदी जी? जो भैंस पर बैठकर तुम जा रहे हो, उतरो, भैंस की सवारी करना सख्त मना है यहाँ पर मोदी जी।